उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्य में बहाल होगी कांग्रेस सरकार। सिब्बल ने की राज्यपाल को हटाने की मांग। टेम्पररी लीव पे है तो मेरा ख्याल अगर परमानेंट लीव ले लें तो अच्छा ही होगा। जम्मू में हो सकता है आतंकी हमला, खुफिया एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की आतंकियों की बातचीत। पाकिस्तानी आका ने लश्कर कमांडर को दिया जम्मू को टारगेट करने का हुक्म, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। जाकिर नायक के 80,000 घंटे के वीडियो टेप की जांच जारी। अगले साल आएगा भारत, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जाकिर को बेगुनाह है, ये क्लीन चिट देने वाला कोई नहीं होता। पूरी दुनिया की और भी एजेंसियां ऐसे व्यक्ति। कश्मीर हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 32 पहुंचा। दक्षिण कश्मीर के 4, श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी गिरफ्तार। मुंबई की एपीएमसी मार्केट में किसानों ने सीधे बेची सब्जी। किसानों को इजाजत दिए जाने के विरोध में हड़ताल पर गए थोक व्यापारी। क्या करेंगे गरीब लोग बेचारे, क्या कमाएंगे क्या रखेंगे, 100 रुपए के लिए इधर आने का और कुछ मिलता ही। मॉनसून की तेज रफ्तार जारी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में फैल चुका मॉनसून सामान्य से 4% ज्यादा बारिश।